क्लास 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है चैप्टर नंबर 1 का क्या कह रहा है कि ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दीजिए हमें सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स इन ग्रीन प्लांट्स राइट। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करना है हमें नॉर्मली ये फोटोसिंथेसिस की। देखो नॉर्मली हमें पूछा जाता है डायरेक्टली कि फोटोसिंथेसिस बताओ। ये क्वेश्चन हमें थोड़ा घुमा करके पूछ लिया है कि हमें प्रोसेस बताओ कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कैसे अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसाइज मतलब प्रोड्यूस करते हैं या रिलीज करते हैं राइट। कैसे बनाते हैं नॉर्मली है ना। तो देखो आंसर स्टूडेंट मैंने ए बी सी डी ऐसे करके फॉर्म में लिख रखा है कि आपको ये समझने में कोई परेशानी नहीं हो ठीक है। तो देखो फोटोसिंथेसिस क्या होता है। देखो स्टूडेंट फोटो फोटो मीन्स लाइट सन की लाइट और सिंथेसिस मतलब यस। तो जो फोटोसिंथेसिस होगा वो प्रोसेस होगा सिंथेसाइज करने का फूड ना। फूड बनने के प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और किसकी हेल्प से होगा ये क्लोरोफिल की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की प्रेजेंस ठीक है। तीन चीज की जरूरत होगी। देखो कैसे कैसे देखो जो फोटोसिंथेसिस है फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब लाइट के लाइट से प्रोडक्शन होता है। देखो लाइट सनलाइट है राइट ये और कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। देखो ये मैं लीफ बना रही हूँ ठीक है। ठीक है लीफ में होता है क्लोरोफिल राइट। मैं गोला बना दे रही हूँ क्लोरोफिल है ठीक है। ठीक है रिस्टोरेंट क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो कि लीफ को ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाता है राइट। और फोटोसिंथेसिस क्या है मैं बता चुकी हूँ आपको कि ये प्रोसेस है ठीक है जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं फूड को ठीक है यानी फूड बनाते हैं। और किसकी हेल्प से बनाते हैं ये ध्यान से सुनो आप। क्लोरोफिल मैंने यहाँ राउंड शेप से बना दिए हैं कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट बना दी। देखो सनलाइट की प्रेजेंस में ठीक है। इस पूरे सेंटेंस में यही चीज़ है। देखो लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो क्लोरोफिल की हेल्प कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प चाहिए और सनलाइट की हेल्प से जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करेंगे यानी फूड सिंथेसाइज करेंगे। और फूड सिंथेसाइज के प्रोसेस कहते हैं वेरी गुड फोटो सिंथेसिस यानी ऐसा खाना जो कि लाइट की प्रेजेंस में बनता है ठीक है। ओके ये तो रही क्वेश्चन क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट की ठीक है। अब बी पार्ट देखते हैं। देखो बी पार्ट कह रहा है कि जो वाटर है एक मिनट यस वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स बाय द वेसल्स। देखो वाटर और मिनरल प्रेजेंट होते हैं सॉइल में राइट ये सब जानते हैं राइट। वाटर और मिनरल प्रेजेंट होंगे मिट्टी में है ना। देखिए मैं मिट्टी बनाती हूँ ये सरफेस एरिया है ठीक है। इसके ऊपर आप देखिए प्लांट है राइट। अब प्लांट जमीन के अंदर रूट होंगी। अब ये जो रूट हैं ठीक है पहले जमीन के अंदर डालते बता देती हूँ कि वाटर रहेगा यानी H2O और मिनरल्स ठीक है। मिनरल्स रहेंगे ठीक है ठीक है जो कि सॉइल में प्रेजेंट रहेंगे। और ये जो प्लांट की आपको रूट दिख रही है ये एब्जॉर्ब कर लेंगे सारे मिनरल्स जो मिनरल्स को रिक्वायरमेंट है ठीक है। और वो सारे मिनरल्स जो कि रिक्वायरमेंट है वो प्लांट की रूट एब्जॉर्ब कर लेगी और वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लेगी राइट। और फिर क्या होगा कि हम जानते हैं कि लीव्स में वेसल्स होंगे जो कि ट्रांसपोर्ट करेंगे मिनरल्स को और वाटर को राइट। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट इन द लीव्स। अब देखो जो सी है देखो इसमें बताया जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारे हवा में वो हमारे लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है वो कैच कर लेते हैं यानी वो ले लेते हैं ठीक है। ये लीव्स हैं और लीव्स में
स्टोमेटा क्या होता है, पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, पोर्स होते हैं हमारे लीव्स में, ठीक है। स्ट्रोमेटा मैं ऐसे शो कर रही हूँ या कंप्लीट लिख दूँ, देखो स्ट्रोमेटा है, ठीक है। जो स्ट्रोमेटा है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी एयर में है उसको ले लेगा, ठीक है। ये CO2 को